गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट्स को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, एक है हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा है हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट जो भी फुलफिल कर रहा है सारी प्रोविजंस जो मेंशन है अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसे हम कहते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई भी एक या कोई भी अदर एलिमेंट मिसिंग है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, वॉइड होगा, इलीगल होगा या अनइन्फोर्सेबल होगा। नेक्स्ट है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एज पर सेक्शन 20 सबसेक्शन जे ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट जो सीज हो जाता है टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, वो वॉइड बन जाता है। कब? जब वो सीज हो जाता है तो भी इन्फोर्सेबल। तो एक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड हो सकता है, बाइंडिंग हो सकता है पार्टीज को जब आप उसमें एंटर किया है जब आपने उसमें, लेकिन बाद में वो वॉइड बन सकता है। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, दो पार्टीज के बीच में ट्रेड हुआ, जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया तब दोनों की जो कंट्रीज थी उनमें वॉर नहीं थी, तो तब जब एंटर हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, लेकिन सडनली दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर हो गई तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या बन गया? वॉइड बन गया। तो इसे हम कहेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। नॉर्मली एक वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को सिमिलर माना जाता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। एक जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड होता है जब आपने उसे बनाया है, लेकिन बाद में ड्यू टू चेंज इन लॉ या सर्कमस्टांसेस उसकी परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं होती तो वो वॉइड बन जाता है। जबकि जो वॉइड एग्रीमेंट है वो स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है। तो जैसे सपोज एग्जांपल, मोहन ने प्रॉमिस किया कि वो डिलीवर करेगा 500 बैग्स वीट के सोहन को लखनऊ में एक महीने बाद, लेकिन जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया तो बाद में उन्हें पता चला कि जो गवर्नमेंट है उसने बैन कर दिया इंटरस्टेट मूवमेंट फूड ग्रेन्स की। तो जो मोहन है अब वो डिलीवर नहीं कर सकता जो उसने प्रॉमिस किया था। तो इस एग्जांपल में जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो वैलिड था, लेकिन बाद में वो वॉइड बन गया क्योंकि गवर्नमेंट ने जो था वो रिस्ट्रिक्शन लगा दी। तो जो मेन डिफरेंस है बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो क्या है कि वो एक जो वॉइड एग्रीमेंट है वो वॉइड होता है शुरू से ही, जबकि जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड होता है जब बनाया जा रहा है, लेकिन बाद में वो वॉइड हो जाता है बिकॉज ऑफ चेंज्ड सर्कमस्टांसिस। तो ये डिफरेंस है वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। नेक्स्ट है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स। जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में कोई एक असेंशियल एलिमेंट जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का वो मिसिंग है, तो जो पार्टीज है उसकी, जो भी उसमें पार्टीज है जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है वो डिसाइड कर सकती है कि उसे कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़े रहना है या उसे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देना है। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था कि अगर ए ने थ्रेटन किया, हमने विजय वाला एग्जाम्पल लिया था, ए, अब यहाँ पे हम ए और बी ले रहे हैं, जैसे ए ने थ्रेटन किया बी को कि वो उसे मार देगा अगर वो कॉन्ट्रैक्ट अपनी प्रॉपर्टी का सेल करने के लिए साइन नहीं करता है कम प्राइस पर ए को, तो जो बी है उसके पास अब ऑप्शन है कि जो कॉन्ट्रैक्ट उसने अंडर प्रेशर धमकाए जाने के बाद एंटर किया है कि उसे उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ बंधे रहना है या उसे उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना है। देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिफरेंस क्या है वॉइड एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। तो डेफिनेशन अगर हम देखें तो वॉइड एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है उसे हम वॉइड एग्रीमेंट कहेंगे। एक एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है बट एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज
बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। इन्फोर्सिबिलिटी की बात करें तो वॉइड एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है, जबकि जो वॉइडेबल है वो इन्फोर्सिबल बाय द पार्टी है जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ लीगैलिटी की बात करें तो जो वॉइड एग्रीमेंट है इज नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ बिगनिंग से ही, जबकि जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड होता है बिगनिंग में, कॉन्टिन्यूज टू रिमेन वैलिड जब तक जो एग्रीव्ड पार्टी है वो उसे आकर मना ना करे। ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल की बात करें तो अंडर वॉइड एग्रीमेंट फिजिबल नहीं है, जबकि जो वॉइडेबल एग्रीमेंट है उसमें फिजिबल है टिल सच टाइम जब तक जो पार्टी है जिसकी फ्री कंसेंट नहीं है वो आके मना नहीं करती है। रीज़न अगर हम कहें तो जो एग्रीमेंट है वो वॉइड है बिकॉज उसमें बेसिक एलिमेंट नहीं है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, और जो दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है क्योंकि उसमें असेंशियल एलिमेंट है जो फ्री कंसेंट का वो मिसिंग है। देन डिफरेंस क्या है वॉइड और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट के बीच में? स्कोप की बात करें तो जो टर्म वॉइड है वो वाइडर है उसकी स्कोप देन इलीगल। तो इलीगल एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं लेकिन सभी वॉइड एग्रीमेंट्स इलीगल नहीं होते हैं। पेनल्टी की बात करें तो जो एक वॉइड एग्रीमेंट है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो पार्टीज़ को पेनलाइज नहीं किया जाता, जबकि जो इलीगल एग्रीमेंट है जो कंसिडरेशन है पर्पस है एग्रीमेंट का वो इलीगल है अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पिनल कोड है, तो जो दोनों पार्टीज हैं इलीगल एग्रीमेंट की उन्हें पनिशमेंट हो सकती है। कोलेट्रल ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो सभी ट्रांजेक्शन जो कोलेट्रल है वॉइड एग्रीमेंट के वो वैलिड हो सकती हैं। सपोज माइनर है ए, उसने बोरो किया 2000 रुपीज बी से और सेम के लिए गारंटी दी सी ने, अगर एग्रीमेंट हुआ है ए और बी के बीच में वो वॉइड है क्योंकि माइनर इन्वॉल्व है लेकिन जो गारंटी दी है सी ने वो वैलिड है। कॉन्ट्रैक्ट के केस में जो भी कोलेट्रल एग्रीमेंट है इलीगल एग्रीमेंट के वो सारे वॉइड होते हैं और पार्टीज जो है कोलेट्रल एग्रीमेंट की वो बाउंड नहीं होती। इफेक्ट की बात करें तो जो एग्रीमेंट है वो अपना लीगल स्टेटस लूज कर जाता है जब वो कोर्ट में प्रूव हो गया कि वॉइड है, जबकि जो एग्रीमेंट है वो वॉइड होता है स्टार्टिंग से ही इन केस ऑफ इलीगल एग्रीमेंट। तो इसके साथ ये जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन एंड डिस्कस द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर से। तो इसके साथ ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।